हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। सो गाइस, आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं एम ए बाबा यम कुजास्त, इरफान हैदर साहब की जानिब से ये नोहा है। कुछ टाइटल तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, एम ए बाबा यम ए कुजास्त क्या होने वाला है वो चल के देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों की इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड थी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ डिफरेंट लैंग्वेज है, अगर होगा तो प्लीज़ आप हमें आगे हेल्प कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या है क्या नहीं वो तो चल के भी पता चलेगी इंशाल्लाह, कुछ तो हो सकता है समझ आएगी। तो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना वक्त ज़ाया करते हुए, सो लेट्स सी। एम एम बाबा यम कुजास्त अरबी या फारसी लग रही है, क्या है? मन रुखसारों पे जालिम से तमाचे खाए, आग दामन में लगी छिन गए दुर्भिहाए। आपको मेरी कसम है ये बताए मुझको, ऐसे होता है यतीमों से सुलूक, हाय हाय। अम्मे अम्मे बाबोयम कुछ औस्त, अम्मे बाबोयम कुछ औस्त, दोख्तरे शाहे शहीदों ने तड़प करिए कहाँ, छिन गई सर से रिदा खैमों में कुछ भी ना रहा। ऐसे आलम में अपने बाबा को ढूंढूं मैं कहाँ, अम्मे बाबोयम खोजो, 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 अम्मे बाबोयम खोजो। शिद्दत गम से ना मर जाऊं सारे दश्ते बलाऊं, हर तरफ लाशे ही लाशे है कहाँ जाऊं भला। वो जो सोई ना कभी बाबा के सीने के सिवा, उसको एक खाक के बिस्तर पे भी सोने न दिया। ताजियानों से जगाते हैं सितमगार यहाँ, अम्मे बाबोयम खोजो, 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 अम्मे बाबोयम खोजो। हाय बाबा ने बड़े नाजों से
पाला है मुझे, और यहाँ शिमर ने दुर्रों से भी मारा है मुझे। अपने बाबा को दिखाऊंगी ये जख्मों के निशान। मुझसे क्यों रूठ गए बाबा, थी क्या मेरी खता, काश हो जाती मैं असगर की तरह उन पे फिदा। रो दिए ले हरम सुन के ये बच्ची का बयान। आई जब ग्यारह मोहर्रम की सहर बाबुर बता, काफिला आले मोहम्मद का सुए शाम चला। एक शहजादी थी रो रो के जो करती थी फुगा। अम्मे बाबायम को जा, 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 अम्मे बाबायम को जा। आबले पामे थे और गले में थी रसन, कितनी लाचार थी परदेश में अकबर की बहन। कैद खाने में भी रहती थी यूं ही नहा कुना। अम्मे बाबायम को जा, 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 अम्मे बाबायम को जा। हाय सजाद ने आए अख्तरों इरफाने अजाब, अपनी हमशीर को दफनाते हुए दिए सदा। खून कानों से सकीना के अभी तक है रवा। अम्मे बाबायम को जा, 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 अम्मे बाबायम को जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत ही दर्दनाक थी यार ये। इरफान हैदर साहब ने कुछ अलग ही इसको अपने एक अंदाज में पढ़ा है। और गाइस, दर्द बड़े अजीब है, बाखुदा कह रहा हूँ, मतलब दिल भर आता है यार, नहीं कुछ बोला जाता ऐसे लफ्ज़ों को, क्योंकि आप जब बार बार सुनते हो, जब किसी चीज़ को आप बार बार सुनते हो तो एक वो ज़ख्म ऐसा लगता है ना कि नासूर सा हो जाता है। फिर उसे ना कोई उसे मरहम सही कर पाता है, ना कोई किसी की बात सही कर पाती है वो, तो ऐसा फील होने लग जाता है कि मतलब क्या कुछ क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आती। गाइज़ बस इतना कहेंगे कि बहुत ही खूबसूरत था एंड बहुत ही फील था, और इरफान हैदर साहब की जो आवाज़ में जो उससे सुनने को मिला था, जो इनका एक अंदाज़ था, वो भी बहुत ही निराला था, बहुत ही खूबसूरत था एंड सो हार्ट टचिंग था, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। और एम्मे बाबा यम कुजास्त का मतलब क्या है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। जहाँ तक मुझे लग पा रहा है कि वो सकीना अलैहिस्सलाम बुला रही कि बाबा आप कहाँ हैं, ऐसा कुछ है मुझे लगता है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं हूँ तो प्लीज़ इसका
ट्रांसलेट ज़रूर बता दीजिएगा कि एम ए बाबा यम को जास्त क्या मतलब होता है। और कहीं एक छोटी सी मैं एक फीलिंग मैं अपनी जोड़ रहा था इसमें, जब वीडियो चल रही थी तो मैं एक ऐसी फीलिंग अपनी कैफियत में आ गई कि अगर आप ज़रा सोचे कि अगर एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर उसको किसी ने बाहर, घर में नहीं बाहर, किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया या कोई एक चोट पहुंचा दी किसी एक तरीके से भी, किसी भी तरीके से उसको चोट आ गई, तो वो कैसे चाहे अपने माँ के पास या अपने बाबा के पास कैसे भूला हुआ आता है, बाबा कहाँ है, माँ मुझे उसने मारा है, मुझे उसने मारा है, मतलब ऐसा होता है। बच्चों को अपने भाइयों को देखा हमने, जब बच्चे हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो पता चलता था कि किसी ने मार दिया, तो वो कैसे आकर गिलगिला कर और रो कर कहते थे कि अम्मी ने फलाने मार दिया, अब्बू कहाँ है, अब्बू से बताएंगे, ऐसा मतलब ऐसा वो होता था। तो मैं उस बच्ची को क्या, मतलब उनको सकीना अलैहिस्सलाम को क्या उस टाइम रहा होगा, क्या उनको मतलब समझ होगी, वो बेचारी उनको उनको क्या पता होगा कि बाबा कहाँ है, किस हालत में होंगे बाबा। बाबा तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन, पता नहीं वो कैफियत आप लोगों को फील दिला पाया हूँ या नहीं, मगर जो ऐसा जाहिर है कि जब हम सुनते हैं ऐसा तो कहीं ना कहीं उनकी उस चीज़ को हम लेकर सोचते हैं, उनकी तकलीफ़ को सोचते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चल रही थी, उस तकलीफ़ का भी हमें महसूस हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ और भी सिनेरियो चलती है माइंड में कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। आप अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर ही देखते हो ना, जब कोई चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं तो किसी के साथ भी हादसा ऐसा होता है तो फिर आप फील करने लग जाते हो। अब सोचो कि वो उस कायनात में, इस कायनात में जिन्होंने, अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्यारे नवासे दिए, नवासों के नवासे दिए, उनके साथ क्या हुआ है, जो जन्नत के सरदार हैं उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ है, उनके 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 खुद के साथ क्या हुआ है। तो जितना बड़ा मुझे समझ यही आता है कि जितनी बड़ी आपको एक अहदा दिया जाता है उतना ही बड़ा आपको कहीं ना कहीं उसका इम्तिहान भी मिल जाता है। तो ये तो एक अलग बात है, मैं ऐसे उनसे उस चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा, एक अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी में जो हमें सीखना था, हमें जो समझना था। मैं शुरू से एक बात कहता आया हूँ कि ये गम तो सदा ज़िंदा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कभी मिट नहीं सकता, ना कोई इसे मिटा सकता है, लेकिन असल हमें इस चीज़ से सीखना क्या था वो हमें बहुत ज़रूरी है समझना, और सीखना, सीख कर उसे अमल करना वो हर किसी को पता है। तो फोकस उस चीज़ पर देना है हमें इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारी इस इंसानियत में जो आजकल हमें दिखने में मिल रही है मुसलमानों के दरमियान। गाइस बस इतना ही कहना चाहूँगा, और बस इरफान हैदर साहब ने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है, बहुत ही कहते हैं ना कि एक सीने में उतर जाए वो सोल जो होती है, वो चीज़ उन्होंने अदा की है अपनी ज़ुबान से, अपनी लहजे से, और लिखने वाले ने भी बड़ा खूबसूरत लिखा, अंदाज़ जो उनका था बहुत ही प्यारा लगा मुझे। तो आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एम ए बाबा यम कुजास्त का क्या मीनिंग्स होता है वो हमें बता दीजिएगा। जैसा मैंने बोला कि मुझे जब समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि बाबा आप कहाँ हो, ऐसा कुछ मुझे समझ में आया कि सकीना अलैहिस्सलाम बाबा से ये पुकार लगा रही है, गुहार लगा रही है, और जैसा फील आया मुझे। तो बहरहाल आप बता दीजिएगा मुझे इसका क्या है मीनिंग, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।